आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए समर स्पेशल ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम की रेसिपी पूरे टिप्स के साथ। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा जरूर देखना है। ये मेरे पास रखी हुई थी डेयरी मिल्क की चॉकलेट। तो हम क्या करेंगे ना, ये सारी चॉकलेट को पहले निकाल लेंगे और बहुत ही कम सामान ज़रूरत पड़ेगी और बन करके तैयार हो जाएगी बहुत ही यम्मी सी आइसक्रीम। जी हाँ, चॉकलेट को मैंने निकाल लिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लेंडिंग जार की। तो मैंने यहाँ पे जार ले लिया है और डाल लेंगे इसमें सारे के सारे चॉकलेट। और साथ ही में यहाँ पे हमको ऐड करनी है फुल फैट मिल्क, जो मलाई के साथ में फ्रिज में रखी थी तो उसको मैंने ऐड कर लिया है। और साथ में हमको ऐड करनी है शुगर। जी हाँ, शुगर डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और तैयार कर लेंगे ये बैटर। जी हाँ, अब हमको क्या करना है, हमारे पास कुछ रखे हुए थे ये जो होता है ना पार्टी में हम यूज करते हैं यूजन थ्रो वाले कप्स, जो हम चाय के लिए यूज करते हैं, बस वही कप्स को यूज किया है मैंने यहाँ पे। और सारे बैटर को एक एक करके मैं सारे कप्स में फुल करके दे दूंगी। पूरा फुल नहीं करना है, थोड़े से कम में छोड़ देनी है। ये देखिए, मैंने सारे में बिल्कुल डाल दिया है ये बैटर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास वो सिल्वर फॉइल नहीं थी जो फूड रैपिंग वाला, तो मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया है, एक बॉक्स ली हूँ वो भी बिल्कुल एयर टाइट वाले। तो उसमें क्या करूँगी, एक एक करके रख लूँगी और इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ना आइस जमने की बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगी, जो हमारे मतलब आइसक्रीम में आइस जमने की चांसेस रहती है ना, वो नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये बॉक्स को अच्छे से कवर करके ना हमको क्या कर लेनी है, 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेनी है। और ये देखिए, 4 घंटे बाद थोड़े से जम गए हैं। अब इसी टाइम पे हमको क्या करनी है, जो हमारे पास आइसक्रीम की स्टिक रहती है उसको ले आनी है और उसको क्या करेंगे, एक एक करके सब में रख देंगे। आइसक्रीम की स्टिक आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी और इसको कवर करके मैं अभी पूरी रात के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। और कर लिया है देखिए कवर, और इसको रख लेंगे अभी फ्रिज में। बिल्कुल भी आइस नहीं जमेगी अगर आप इस तरह से टाइट कंटेनर का यूज करेंगे। तो ये एयर टाइट कंटेनर बिल्कुल भी एकदम आराम से, ये देखिए बिल्कुल भी आइस नहीं जमे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी इसको ना ऐसे चारों तरफ से ना ऐसे बस फाड़ देंगे और वो धीरे से आइसक्रीम को कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, साइड से निकाल देंगे ना तो ये आइसक्रीम बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी और अपने शेप में भी रहेगी और बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये देखिए, बहुत ही यम्मी सा आइसक्रीम बन करके तैयार हो गए। मैंने यहाँ पे कम से कम 5 आइसक्रीम बनाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। सिंपल सी 3 चीज़ों में मैंने बना करके तैयार कर लिए ये सुपर यम्मी सा चॉकलेट वाली आइसक्रीम। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिए और मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना कि ये आइसक्रीम कैसी थी। हम तो चले खाने के लिए। टाटा बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। बाय बाय।